ओडावालीस जूनियर एक्जिक्यूटिव असिस्टेंट पे हमें क्लास स्टार्ट कर सारे ऑलरेडी तीन टा क्लास होती है चार नंबर क्लास होती आज हम डिस्कशन करेंगे प्रीपोजिशन ऊपर तीसटा एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे आपको गोटे रिक्वेस्ट करेंगे प्रीपोजिशन ऊपर न्यू ईयर 200 खंडे एमसीक्यू प्रैक्टिस करके एग्जाम ऊपर पलेबे डेफिनेटली आप ठीक ठाक आप प्रीपोजिशन क्वेश्चन बनुच्छे आप डेफिनेटली करके पलैसे प्रैक्टिस बहुत करा दरकार तो प्रीपोजिशन मुझे आपको सिंगल फिलर पाइबे मुझे सिंगल फिलर उपर क्वेश्चन करेंगे और डबल फिलर उपर भी आप दसटा क्वेश्चन पाइबे सिंगल फिलर उपर भी 20 क्वेश्चन पाइबे दैट सब क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे निज भितर कन्फिडेंस बिल्डअप करने चेष्टा करेंगे बिकज जानते इंग्लिश और ओडिया आप जूनियर एक्जिक्यूटिव असिस्टेंट आप प्री पेपर क्वालिफाई होते हैं आप स्किल टेस्ट आराम से क्लियर करेंगे जब स्किल टेस्ट उपर नॉलेज अच्छी मैंने आप प्रैक्टिकल उपर नॉलेज अच्छी आशा करती है इतनी समस्त बुझे आउ गए कथा कहूँ जो मैंने मोर टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करने चाहते डेफिनेट आप जॉइन करेंगे सीट आप कौन पाइबे इंग्लिश पचीसा मॉक टेस्ट पाइबे ऑलरेडी मुझे चार्टा मॉक टेस्ट अपलोड कर सारी देखे देवी वेट करते यार आउ गए कथा जो मैंने शुणिया नहीं गोटे मिनट स्किप करके आगे बढ़ाते डायरेक्टली आप क्वेश्चन को पाइबे मन रखे टेलीग्राम गोटे मोर एमसीक्यू मैंने आपको क्विज बैच गोटे रोचे सहित मॉक टेस्ट बैच रोचे ओनली आप जूनियर एक्जिक्यूटिव असिस्टेंट जो मैंने जॉइन कर जॉइन करेंगे सेठी आप 25 इंग्लिश मॉक टेस्ट पाइबे इंग्लिश 100 एमसीक्यू डेली आप डिस्कशन कराई आज नियली मैं आप प्रीपोजिशन 100 एमसीक्यू कराई ओके फास्ट कथ हूँ निज इंटरेस्ट जॉइन करेंगे कौन से फोर्सफुली मुझे जॉइन कराई एटा जना थी यार ओडिया भी 100 एमसीक्यू आप ओडिया मोर टी आक्यूरेसी कमी जब मुझे 100 क्वेश्चन दूसरी यार मुझे क्लियर कट कर दूँ ओडिया पर आप 95% आक्यूरेसी पाइबे 100% पाइबे बिकज ओडिया पर मुझे नॉलेज अच्छी से अनुसार मुझे शेयर करेंगे नॉर्मल जॉइन करने चाहते जो मैंने ओल्ड स्टूडेंट मोर एस बैच थे कि आप सीजीएल बैच थे से 50 रुपीज अच्छी जो मैंने नुआ स्टूडेंट अच्छा 100 रुपीज देखिए जॉइन करेंगे यही नंबर आप पे करके डायरेक्ट मत स्क्रीनशॉट पठे देते हैं देखिए देखिए से ग्रुपटा कौन रोचे ऑलरेडी 800 खंडे पिला नियरली थे ओके ये ग्रुप देखो मॉक टेस्ट में गोटे काम करेंगे पीडीएफ सेक्शन को पलेबे फाइल को गले मॉक टेस्ट 1, 2, 3, 4 आज चार नंबर मॉक टेस्ट है एमती आप 25 मॉक टेस्ट इंग्लिश पाइबे सहित डेली मोर 100 एमसीक्यू क्विज आसे जमी ओडिया पड़ी सेमती आप इंग्लिश डेली 100 एमसीक्यू क्विज पड़ो ये आप पोल हिसाब से डेली क्विज अटेम्प्ट करेंगे कौन से भाई वीडियो सॉल्यूशन नहीं कि कौन से क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेनेशन दिए डेली 200 एमसीक्यू सहित इंग्लिश मॉक टेस्ट मुझे प्रोवाइड कर दिए आशा करती यार बुझीगले बेस किसी कन्फ्यूज हेल्ले नंबर मतलब फोन करके पचारिपारे मुझे निजे ही कथ क्लियर कट सब तक डिस्कसन कर दी तो बहुत किसी कपी दे डायरेक्ट जी क्वेश्चन को डिस्कसन करवा एक नंबर क्वेश्चन अच्छी डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर देखें चेस्ट करते हैं ट्राए कले प्रीपोजिशन क्वेश्चन अच्छी मुझे स्टार्टिंग आउ थ्री यार कहीदे प्रीपोजिशन निजे या 200 प्लस एमसीक्यू निजे प्रैक्टिस करेंगे बेस्ट रहो ओके सी कहे आवर सार ओके टीचर्स मैथमेटिक्स ओके डैश इंग्लिश तो मैंने जो टीचर अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ाती कौन कहे मैथमेटिक्स पढ़ाती से इंग्लिश पढ़ाती मैंने जन टीचर पाखे दुटा एबिलिटी अच्छी कौन कहे दुटा एबिलिटी अच्छी मैंने फास्ट कहते हैं मैथमेटिक्स पढ़ाती टीचर इंग्लिश पढ़ाती तो डेफिनेट आम लगे पार्बा एट मैक्सीम बिसाइड और बिसाइड्स भितर कन्फ्यूजन देखो फास्ट कहते हैं बिसाइड लिखाई आउ गए बिसाइड्स जब प्रिपोजिशन में आप देखते एस बसु जो आप एक्स बस आम कौन कहें एक्सट्रा कह कौन कहे आपको एक्सट्रा कह जन पाखे दुटा मैंने गोटे क्वालिफिकेशन अच्छी सहित से आउ गए जिनस भी पढ़े पार्थ गोटे टीचर गोटे जिन पढ़े पार्थ सहित आउ गए आडिशनाल गोटे चैप्टर पढ़े पार्थ से आम कौन बसा बिसाइड्स बसा कौन कहे आप बिसाइड्स बसा मैंने एक नंबर आपसन बी रईट आंसर होप्स मो क्या समस्त बुझे कौन कहे बिसाइड गोटे थे मैंने अप्सन सी आउ बी भितर कन्फ्यूजन थे मन रखे जो आप एक्स एक्सट्रा अच्छी कौन कहे एक्स एक्सट्रा अच्छी से मैंने पाखे एक्सट्रा किसी गोटे आबिलिटी थी से जिन मन रखी आप एक्जाम हिट करके अप्सन बी को डायरेक्टली मारिकी जाइए होप्स समस्त बुझे कनसेप्ट बस एला बिसाइड इट्स मैंने आपके एक्सट्रा कौन इनफर्मेशन अच्छी इन मैंने आडिशनल एक्सट्रा आपके कौन अच्छे बस से जिन एक नंबर बी रही नहीं जाए दुई नंबर क्वेश्चन से दु नंबर क्वेश्चन आंसर देखा चेस्ट ट्राए कले बहुत बढ़िया कथ दोनों क्वेश्चन थे पढ़े से कहते हैं ये क्वेश्चन को आउ थे रिपीट करने चेस्ट करती फास्ट कथ में बिसा इट्स मैंने कौन एक्सट्रा आडिशनल आपके कौन अच्छे आउ नॉर्मल बिसाइड मैंने कौन पाखे बस कौन कहे नॉर्मल आ पाखे जब ये बसुच्छे आम ये लगे पार्बा बिसाइड लगे कौन कहे बिसाइड लगे दुटाक रखते बिकज आप दुटा कन्फ्यूजन मुझे दूर करने चाहे ओके द हस्बैंड एंड वाइफ ओके स्टूड पाखापाखी ठिया होती तो देखो ये जो लगे बिसाइड लगे ये कौन से एस बस तो ऑप्शन ए मारिकी जी ऑलरेडी मुझे दुटाक अंडरस्टैंड करदेली बिसाइड मैंने जो थे एस बसनी तो मैंने आपखे बस बिसाइड्स मैंने आपके एक्स्ट्रा इनफर्मेशन अच्छी एक नंबर दुई नंबर आप कनसेप्ट क्लीयर कट होगा समस्त एक्जाम कहीं भी मिस्टेक करेंगे ना आ जो मैंने मोर भिड स्पीड लगे दया टे 0.75x स्लो करके देखे ना जो स्लो लगुच्छे टी स्पीड करके आप देखिए नेक्स्ट जी तीन नंबर क्वेश्चन अच्छी तीन नंबर क्वेश्चन आंसर देखें चेस्ट करूँ ट्राए कले ओके ठीक अच्छे प्लीज डोंट लाफ ओके लाफ दैट्स ओके लाफ आर्ट लगे क्योंकि लाफ सहित गोटे फिक्स प्रिपरेशन लाफ सहित मन रखे आर्ट लगे सब बढ़िया लगे चेस्ट करेंगे लाफ आर्ट दोज बेगर मैंने ये पर्सन उपर मैंने क्या उपर आप कौन कर देखिए हसुच्च से आम लगे पार्बे लाफ सहित आर्ट लगे लाफ आ फ्रम आउ फर किसी लगे लाफ एगेन्स्ट भी लगे लाफ सहित आम आर्ट लगे पार्बा जब आप क्या देखिए हसुच्च से लगे पार्बा लाफ आर्ट भी लगे पार्बा ऑप्शन सी राइट आंसर है डायरेक्टली लगे पड़े आउ गए कथ मन रखते
ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ କହିଲେ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ଭଲ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲଗେଇକି ପଳେଇବେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ଭଲ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଠି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବସେଇକି ପଳେଇବେ ବେଶୀ ତାର ମିନିଂ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ବିକଜ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ୍ ଚାପ୍ଟର ପ୍ରେଜର୍ ଭର୍ବ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଯାଏ ଫିକ୍ସ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆସିଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଲଗେଇକି ପଳେଇବେ ଆଉ ଏମିତି ରହିଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତିକି ଜଣାଥିବ ସେଠି ଲଗେଇବେ 3 ନମ୍ବର ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନେଇଯା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଠି ଆପଣ କନ୍ସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଶିଖୁଛୁ କେ ୱି ହାଭ୍ ବିନ୍ ଓକେ ଇନ୍ ସେକ୍ଟର ଏଇଟ୍ ଆମେ ସେକ୍ଟର ଏଇଟ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଆସୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଡ୍ୟାସ୍ ମନେ କି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କଲା କ'ଣ କହିଲେ POINT ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କଲା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ପିରିଅଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବାରେ ପିରିଅଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଠି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆସେ ମନେ କି ଏଇଟା ସିନ୍ସ ଲାଗେ କ'ଣ କହିଲେ ସିନ୍ସ ଲାଗେ ଓକେ ସିନ୍ସ ଜାନୁଆରୀ ହେଇଗଲା ସିନ୍ସ 1997 ଓକେ ସିନ୍ସ ମନ୍ଡେ ହେଇଗଲା ଓକେ ସିନ୍ସ ସମର୍ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ସିନ୍ସ ଲାଗେ ଓକେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ପିରିଅଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଥାନ୍ତା ଯଦି କହିବି 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଓକେ ସେଠି ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଫର୍କୁ ଲଗେଇ ପାରିବା ଫର୍ ଆଉ ସିନ୍ସର କନ୍ସେପ୍ଟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ଏଠି ଲାଗିବ କ'ଣ ସିନ୍ସ ରହିବ 4 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ନେଇଯିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ଲେୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଲଗେଇକି ପଳେଇବ ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲି ଭୁଲ୍ ୟାର ଇଣ୍ଟୁଆର ଲାଗିବନି ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓକେ ୱେନ୍ ଆଇ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ରୁମ୍ ଓକେ ଏଭ୍ରି ବଡି ୱାଜ୍ ଓକେ ସ୍ପିକିଂ ଲାଉଡ୍ ତ ମନେ କିବେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଲାଗିଥିଲା ତା ମାନେ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ସହିତ ଏଠି ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟୁ ଲୁଚିକି ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ଲୁଚିକି ଅଛି ହାଇଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏଠୁ ଇଣ୍ଟୁ ଲଗେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ୱେନ୍ ଆଇ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଦ ରୁମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲାଗିବ ଏଠି ଇଣ୍ଟୁର ୟୁଜେସ୍ ନୁହଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ସୁପର ଫ୍ଲକ୍ସ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଅନେସେସରି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ହପ୍ସ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ 5 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଠି ଆପଣ ଇଣ୍ଟୁ ଲଗେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ମାନେ ହିଁ ଏଣ୍ଟର୍ ଇଣ୍ଟୁରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିଂ ବୁଝେ ଓକେ 5 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବେ ନେକ୍ସଟ୍ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖିଲି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସେ କହୁଛି ଗଡ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଓକେ ୱିଜ୍ଡମ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ପିପୁଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମେନି ଇୟର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମଙ୍ଗ୍ ବି ଲାଗିଛି ଏମଙ୍ଗ୍ ମାନେ କ'ଣ ୟାର ପିପୁଲ୍ ହେଇଛି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି ନା ତ ଆପଣ ଏମାନେ 2 ଜଣ ଅଧିକ ଅଛି ନା ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଠି ଆପଣ ଏମଙ୍ଗ୍ ଲାଗିବ ଏଠି ବିଟୁନ୍ କେବେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ ଓକେ ବିଟୁନ୍ ମାନେ କ'ଣ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜଣା ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ ମେନି ଇୟର୍ ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଇୟର୍ଟା କହିଲା ଇଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଲଗେଇବା ଫର୍ ଲଗେଇବା ଏଇଟା ସିନ୍ସ ନୁହେଁ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ ଇଏ ଆପଣ ଡ୍ୟୁରେସନ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଆମେ ଲଗେଇପାରିବା ଫର୍ ମେନି ଇୟର୍ ଲଗେଇବା ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଓରିଜିନ୍ ହେଇଥାଏ ସେଠି ଆମେ ଫ୍ରମ୍ ଲଗେଇବା ଓକେ ଲାଗିବା ଦରକାର ସୋର ବି କୌଣସି ମିନିଂ ନାହିଁ 6 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ହପ୍ସ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିସାରିବେନି ନା ନେକ୍ସଟ୍ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏ କନ୍ସେପ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ସେ କହୁଛି ବିଫୋର୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଦ ମଙ୍କି ଜମ୍ପ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଏଠି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୋଲ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ରିଭର୍ ଯାଉଛ କି ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଜମ୍ପ କଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ ମୋସନ୍ରେ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମୋସନ୍ର କ୍ରିଏସନ୍ ହେବ ସେଠି ଆମେ ଲଗେଇବା କ'ଣ ଲଗେଇବା ଇଣ୍ଟୁ ଲଗେଇବା ହୋପ୍ ସେୟାର ସମସ୍ତେ ଆର ପଢ଼ିଥିବେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମୋସନ୍ରେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲିକି ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଏଣ୍ଟର୍ କଲେ ଆମେ ଲଗେଇବା ଇଣ୍ଟୁ ଲଗେଇପାରିବା ସେଠି ବି ଆମେ ଲଗେଇପାରିବା ଦ ମଙ୍କି ଜମ୍ପ ଇଣ୍ଟୁ ଲଗେଇବା ଇଣ୍ଟୁ ଲଗେଇବା ଇଣ୍ଟୁ ଦ ରିଭର୍ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୋସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ମୋସନ୍ରେ କ୍ରିଏସନ୍ ଆସିବ ସେଠି ଆମେ ଲଗେଇବା ଇଣ୍ଟୁ ଲଗେଇବା ହୋପ୍ ସୋ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ୟାର 7 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ ଆସେ ନର୍ମାଲ ଲେବୁଲ୍ ଥାଏ ଏତେ ବି ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଆସେନି ଓକେ 7 ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେଇଯିବ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଶିଖୁଛି ଦ ରେନ୍ କମ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ଡେଫିନେଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଜିନିଷରୁ ଓରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଜିନିଷରୁ ଆସିଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଫ୍ରମ୍ ମୁଁ କହିବେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ସେଇ ସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଫ୍ରମ୍ ଲଗେଇବା ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଠି ଓରିଜିନେଟ୍ ହୁଏ ସେଠି ଆମେ ଲଗେଇବା ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯାହାକି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ରେନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କ୍ଲାଉଡ୍ରୁ ଆସିଛି ସେଠି ଆମେ ଲଗେଇପାରିବା ଫ୍ରମ୍ ଲଗେଇପାରିବା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଓରିଜିନ୍ ହୁଏ ସେଠି ଆମେ ଫ୍ରମ୍ ଲଗେଇବା ମାଇଣ୍ଡ ଡେଟା ସେଟ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କରିକି ଆସିପାରିବେ 8 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ନେକ୍ସଟ୍ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯାହାକି 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଜି ଅଛି ସାର୍ ଏବେ ଆମେ କନ୍ସେପ୍ଟ ବୁଝୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ସେ କହୁଛି ହି ସେୟାର ହିଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ତା ମାନେ ତା ପ୍ରପର୍ଟି ସେୟାର କଲା କାହା କାହା ଭିତରେ ଡଟର ଆଉ ସିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କହିଲେ ଡଟର ଆଉ ସିଷ୍ଟର ଏଠି ଡଟର ଆଉ ସିଷ୍ଟର ଅଛି 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ଉଠେଇଛି 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ଉଠିଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିଟୁଇନ୍ ଲଗେଇବା କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ଉଠିବ ସେଠି ଆମକୁ ବିଟୁଇନ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣ 2 ଜଣ ଅଧିକ ଆସିଲା ସେଠି ଏମଙ୍ଗ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଓକେ ଅପ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବେ 9 ନମ୍ବର ଆପଣ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ନେଇଯିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଏ ବି ଇଜି ଅଛି ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ ୟାର ଟ୍ରାଏ କଲେ ସେ କହୁଛି ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଏଜ୍ ଓକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ବି ଏଜ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଆମେ ନିୟର ଲଗେଇବା କ'ଣ କହିଲେ ନିୟର ଲଗେଇବା ଓକେ ୱିଥ୍ ଲାଗିବନି ଅପ୍ ଲାଗିବନି ଅନ୍ ଲାଗିବନି ଆପଣ ନିୟର ମାନେ ଏଜ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ସେଇ ସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ 10 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ନିୟର ମାନେ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇ ସାରିବେନି 10 ନମ୍ବର ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନେଇଯିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯାହାକି 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ
ଟ୍ରାଏ କଲେ ସେ କହୁଛି ଏଭ୍ରିବଡି ବ୍ଲେମ୍ ହିମ୍, ତ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ଲେମ୍ କଲେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଯୋଗୁଁ, କ'ଣ କହିଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଜିନ୍, ଓକେ, ତ ରିଜିନ୍ ଯାଇ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଓକେ ଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲେମ୍ କଲେ, ଏଠି କୌଣସି ରିଜିନ୍କୁ ସୋ କଲା, ଓକେ, ତ ରିଜିନ୍ ଯୋଉଠି ସୋ କରିବ ସେଇଟା ଆମେ ଲଗେଇବା ପ୍ରିପେରେସନ୍, କ'ଣ ଲଗେଇବା ଫର୍, ମୁଁ କହିବି ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ଷ୍ଟଡିଂ, ତ ଆମେ ରିଜିନ୍ ଦେଖୁଛେ ନା ଷ୍ଟଡିଂ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଛେ, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଫର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା, ଏଠି ବି ଆପଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଠି ରିଜିନ୍କୁ ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡ, ମାନେ ଏଭ୍ରିବଡି ସମସ୍ତେ ବ୍ଲେମ୍ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କ'ଣ ବସେଇ ପାରିବା, ଫର୍ ବସେଇ ପାରିବା, ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ର ମିନିଂ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ବିକଜ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫିକ୍ସ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଥାଏ, ସେଠି ମିନିଂ ଖୋଜିଲେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଭୁଲ ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା ସେଠି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ରାମାର୍ର ବି ୟୁଜେସ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଫର୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ରିଜିନ୍କୁ ସୋ କଲେ, ଆମେ ଅପସନ୍ ଏ ସହିତ ଯାଇପାରିବା, ନାଇଁ ଯିବା। 12 नंबर क्वेश्चन छि, 12 नंबर क्वेश्चन प्रिफर हेगला, सुपीरियर हेगला, इनफीरियर हेगला, ये सब वर्ड पे को प्रिपोजिशन बसे, ठीक है क्वेश्चन अपन टू लागे डायरेक्टली लगे पड़ेगा, आई प्रिफर, ओके स्प्रिंग, ओके टू समर, हमें ऑप्शन ए से दे परबा, प्रिफर हेगला, सुपीरियर हेगला, इनफीरियर हेगला, ये सब जगह अपन कोन लागे प्रिपोजिशन टू लागे, माइंड रखतन तो इमिति बहुत गुड वर्ड था फिक्स प्रिपोजिशन बसे, सेटा हमें लगे देबा, जिमिति जूनियर हेगला, सीनियर भी हमें फिक्स प्रिपोजिशन टू को बसो, ओके समस्त बुझिगले, अपन 12 नंबर आपनकर ऑप्शन ए राइट आंसर हेबो, नै जिबा। 10 नंबर क्वेश्चन अच्छी, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया अच्छे, देखिए आंसर देखा चेस्टा कर ट्राए कले, ओके आगे आपको बुझेबी एभव आवर भितर डिफरेन्स कौन, ओके ये गोटे कौन कहे गोटे टेबुल अच्छे, टेबुल पर गोटे बल अच्छी, कौन कहे बल गोटे कौन अच्छी लगी कौन कहे बल गोटे लगी फिक्स अच्छी, कौन कहे बल ये आप फिक्स अच्छे, जो टेबुल को टच करता से अन् लगे पड़ी था, ये समस्त ही जाना था, बट ये टेबुल उपर अच्छे, कौन कहे टेबुल उपर अच्छे, ये फिक्स नहीं, ये एमती झुलाई रखाई, तो सेठी आम कौन लगे पार्बा, मन कि सेठी आप लगे एभव लगे, कौन कहे सेठी आप एभव लगे, जब टेबुल उपर गोटे बल रखी, तो से टेबुल उपर बलटा मुवमेंट कर, टेबुल उपर बलटा कौन कर मुवमेंट करुच्च पेंडुलम टाइम मुवमेंट करें, सेठी आम कौन लगेगा ओभर लगेगा, मो कहते समस्त कनसेप्ट क्लीयर होगा, आउ थे कहे जदि कौन गोटे टेबुल होगा, चेयर होगा कि गोटे बेड उपर, ओके ये केवल आप गोटे बलटे रखाई, बलटे रखाई तार कौन से मुवमेंट ना, सेठी आम कौन लगे पार्बा एभव को लगे, जदि तार कौन से मुवमेंट घटला सेठी आम कौन लगे ओभर लगे, तो मन रखते ये आप दुटा को बनी पार्बे, द लाइट इज डैश आवर हेड, ओके एभव लगे पार्बा, ओभर भी लगे पार्बा, मैंने ओभर भी लगे पार्बा, ऑप्शन ये आप सी राइट आंसर है, ओके कारण जाना ना सी आपड़ी मोशन भी थी पे कि आपर से फिक्स भी थे, आप दुटा को लगे पार्बे, 13 नंबर आपसन सी राइट आंसर है, समय तेरे बुझे, ओके नेक्स्ट जी 14 नंबर क्वेश्चन अच्छी, 14 नंबर क्वेश्चन आंसर देखें चेस्ट करते ट्राए कले समेत बहुत बढ़िया कथ, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़े से कहते द प्राइस ऑफ रन, ओके हाज डैश, ओके गन हाज, ओके गन डैश एलॉट, तो डेफिनेट आप प्राइस को ऊपर उठ प्राइस हमें लगे गन अप लगे समस्या जानी थे डेफिनेट चूज कर सारे द प्राइस ऑफ रन, ओके हाज गन अप एलॉट, मैंने प्राइस राइज है गन अप जगह लिखा प्राइस इनक्रीज हो पाला कि राइज है से आम गन अप लगे द कस्ट मच ओके डेफिनेट कस्ट बढ़ी जाए कथ कहे तो आम 14 नंबर आप ऑप्शन ए को इजिली पिक कर पार्बे ऑप्शन ए ही राइट आंसर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन अच्छे 15 नंबर क्वेश्चन आंसर देखें चेस्ट करते ट्राए कले बहुत बढ़िया कथ क्वेश्चन पढ़ा सी कहते रीड द क्लास ए स्टोरी डैश ओके तो रीड क्या विषय से पढ़ला ए क्लेवर माउस डियो तो डेफिनेटली आम कही पार्बा ए स्टोरी से क्या विषय पढ़ला एबाउट लगे पार्बा जहाँ विषय में जानवर थी आम से लगे पार्बा एबाउट लगे पार्बा मुझे आप विषय जानापी चाहिए मुझे भी आपको एबाउट लगे पार्बे देखते ए क्लेवर माउस डियो या विषय से स्टोरी पढ़ुता तो सीट एबाउट जो जानापी पाला तो आम ऑप्शन बी सहित जी ओवर तो ऊपर सुनो आक्रोश सुनो एगेन्स्ट भी अपोजिट को आपको बुझाए नर्माली एगेन्स्ट तो 15 नंबर गोटे ही ऑप्शन था बी ऑप्शन राइट आंसर था होप सो समस्त चूज कर देखिए नहीं जी 16 नंबर क्वेश्चन अच्छी 16 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया अच्छे देखिए आंसर देखें चेस्ट कर ट्राए कले कहे इट इज भेरी वार्म वार्म मैंने एवं बहुत ही गरम लगे तो आम कौन करा आई एम गोइंग टू टेक् डैश माइ स्कार्फ तो डेफिनेटली आम कौन करें पड़ा एवं स्कार्फ आप जो बडी अच्छे आम रिमुव कले जदि कौन सेपारेसन आसा कौन कहे कौन से जगह आपटर ये जो सेपारेट होता लगे कौन अफ लगे मो सहित मन रखते जो आप सेपारेसन रेन्स आस अलग कराँच गोटे गोटे जगह से कौन लगे ऑफ लगे लगे टेक ऑफ मैंने सेपरेट करा ओके तो सीट में ऑप्शन सी को इजिली चूज करके जापर 16 नंबर समस्त बुझे ऑप्शन सी कम हम ओके नेक्स्ट जी 17 नंबर क्वेश्चन अच्छे 17 नंबर क्वेश्चन ओके बहुत बढ़िया अच्छे देखिए आंसर देखें चेस्ट कर ट्राए कर ओके कहे ओके कहे दैट चाइल्ड कौन कहे दैट चाइल्ड डाइट डैश हेवी पीपल ओके तो मन कहे डायट सहित आपको अफ लगे कौन कहे डायट सहित अफ लगे बिकज रिजन को देखा से कौन कौन कहे कौन से आप डाय है ओके तो जमा कर डायट आर्ट लगे आप विथ ब्रेड लगे फर्म लगे ये आप लगे डायट अफ लगे द चाइल्ड डायट अफ रिजन को देखा कौन से आप मानते डे थे तरह डायट सहित आम अफ लगे जापर 17 नंबर आपको ऑप्शन सी राइट आंसर रहा है
अठर नंबर क्वेश्चन से देखे अठर नंबर क्वेश्चन आंसर देखें चेस्ट करते इजी अच्छे यार समस्त पिक कर सकते एग्री सहित कौन लगे ठीक यार क्वेश्चन एग्री सहित आम टू लगू कौन कहे एग्री सहित फिक्स प्रिपोजिशन नॉर्मल अपन टू लगे ओके आई डोंट एग्री टू योर प्रपोजल ओके विथ लगे ओके ये कौन से पर्सन को से इंडिकेशन दूसरे से तरह प्रपोजल कथ कह कौन कहे अपन जब पर्सन ही था आम विथ कथ भाई था कौन कहे जब पर्सन कौन था आम ये विथ कथ भाई था बट आई डोंट एग्री टू लगे कौन पाई बिकज से पर्सन सहित एग्री कथ कौन तार प्रपोजाल सहित एग्री कथ कह तार प्रपोजाल सहित एग्री कथ कह आम एग्री टू लगे पाइबा होप सो यार समस्त बुझे अठ नंबर आप कौन रही है राइट आंसर सी रही है जमा बिहार ए को पिक करेंगे ना नेक्स्ट जी उन्नीस नंबर क्वेश्चन से देख रहे उन्नीस नंबर क्वेश्चन आंसर देखें चेस्ट करूँ ये फिक्स प्रिपेरेशन नॉर्मल ये क्वेश्चन रोच ट्राए कले ओके सी कहे हि वाज आकस्टम्ड ओके आकस्टम सहित आपको कौन लगे विथ लगे देवे विथ तो ना आकस्टम सहित कौन लगे टू लगे कौन कहे आकस्टम सहित टू लगे टू चुईंग ओके लिखी तुलसी लिप्स ओके इवेन व्वेन हि डेलीवर द लेक्चर तो डेफिनेटली से डेलीवर लेक्चर क्वेश्चन आकस्टम सहित मन रखे टू लगे कहे टू लगे फिक्स प्रिपेरेशन हम मन रखे उन्नीस नंबर आप डी राइट आंसर हम जो मैंने चूज करते बहुत बढ़िया कथा एटी भाई बुझेबार बेस किसी ना आपको माइंड को खटाइप पड़े बुझे उन्नीस नंबर नहीं कोड़े नंबर क्वेश्चन से देखिए कोड़े नंबर क्वेश्चन आंसर देखें चेस्ट करते मन रखे फंड जमी अकॉर्डिंग सहित कौन बसू टू बसू ओके आकस्टम सहित जमीन अफ बसले से आप फंड सहित कौन बस यार फंड सहित अफ बस प्रीवियस क्वेश्चन आम टू सरी आकस्टम सहित टू बसले से आप मन रखे फंड अफ कौन कहे फंड अफ लगे थोर क्वेश्चन को पढ़ा बिकज मोर ही ना मेनसन कर दी बिकज मत बहुत बढ़िया पसंद लगे यार इंग्लिश पढ़ाई ओके सुनील सर इज भेरी एमती मो ना नुह भाई आउ का ना लिखले भी चले बैचान सर मो ना लिखी देती इज भेरी मच फंड अफ ओके फंड अफ मिनिंग मुझे फंड अफ मिनिंग टीचिंग इंग्लिश फास्ट कहते हैं फंड मैंने से बहुत भल पाते ओके मैंने पसंद गोटे जिनस लगे पार फंड अफ लगे पार्बा बहुत लवेबुल आपे फंड आप फंड मैंने कौन बहुत इंटरेस्ट थोड़ा पढ़ाई से आम लगे पार फंड अफ लगे पार्बा ओके फंड सहित बस ये मन रखते अफ लगे ए सुनील सर जगह आउ का ना भी भाई आसपे आप अप्सन मन रखे कोड़े नंबर आप अप्सन सी रेट आंसर समस्त यार बुझे नहीं जाए एक नंबर क्वेश्चन से देखिए एक नंबर क्वेश्चन आंसर देखें चेस्ट करूँ एवं मन रखते एक तीस पर्यटन डबल पीरियड आने पर चेस्ट करती फास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया अच्छे देखिए आंसर देखें चेस्ट करते मन रखे ये आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी पकई पारे कौन कहे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी पकई पारे द्वारा भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व हो पारे ओके ही लिव्स डैश ए विलेज डैश तो हिल मुझे आपको गोटे इजी कथ कह सिंगल पिलर आउ डबल पिलर मैक्सिमम लोग कहते डबल पिलर टी डिफिकल्ट है मन रखिए सिंगल पिलर टू डबल पिलर इजी बिकज दुटा ऑप्शन हमें गोटे को एलिमिनेट यार इजिली कर पारे से डबल पिलर टी इजी था ओके सी कहते ही लिव्स डैश ए विलेज और डेफिनेट आम गोटे विलेज भितर रोचे आम इन विलेज लगे यहाँ हूँ आप गाँ आप गाँ भर रोचना आम इन विलेज डायरेक्ट लगे आप समस्त यार पढ़ते जब कौन गोटे कोठोरी भितर कौन कहे कौन गोटे घर भितर जब किए रोचे आम इन द हाउस कौन ना तो से आम लगे पार इन दिलेज इन ए विलेज लगे पार ओके डैश दिल तो डेफिनेट आप मन रखिए ट्री रे बसुँ आम कौन लिखु यार अंडर द ट्री आम लग सेम गोटे हिल रही थी आम कौन कही पार्बा आप डैश हिल मन बेनिथ बेनिथ भी आपको यूज कराए तल सेन्स आप बेनिथ भी यूज कराए मन अप्सन आप रईट आंसर है अंडर और बेनिथ दुटाक नर्माली नियोनि सेम मिनिंग थे दुटाक तल सिचुएसन हो ट्री तले थी आम नर्माली अंडर लगे दूँ आदि आपको कौन से हिल सैड हिल तले रही है आम बेनिथ लगे पड़ेगा ओके एक नंबर मन रखिए आप अप्सन ए रईट आंसर नहीं देखो बैस नंबर अच्छे देखिए बैस नंबर क्वेश्चन आंसर देखें चेस्ट करें ट्राए कले बहुत बढ़िया कहते कहते मेनि स्टूडेंट हाफ सोन मैंने बहुत गुड़े स्टूडेंट को देखा गला ओके लेस हार्ट डिजीज कम लेस मैंने बहुत कम लेस डिजीज अच्छे हार्ट ओके डैश ग्रुप ये ग्रुप कथ कह मत कहे ये ग्रुप कथ दिज कथ कह तो बिटवीन तो हमें एमंग बिकज बहुत गुड़े ग्रुप थी ओके इन ग्रुप नुह ओके आम एमंग ग्रुप सहित जाइपर से कहते डैश लो ब्लड कोलेस्ट्रोल तो डेफिनेट आम कहीपर बहुत लेस हार्ट डिजीज थी आ सहित लो ब्लड आप कोलेस्ट्रोल था ओके ये विथ लगे सहित कथ कह तुम्हें विथ को लगे पार्बा समस्त यार बुझे आपसन डेफिनेटली बी ही पार्बो जो मैंने बी चूज करते बहुत बढ़िया कथ नहीं तेईस नंबर क्वेश्चन से देखिए तेईस नंबर क्वेश्चन आंसर देखें चेस्ट करते बहुत इजी क्वेश्चन अच्छे समस्त दे पारे यार ट्राए कले से कहते से कहते देर इज ए पेपर से गोटे पेपर अच्छे डैश द फ्लोर यहाँ फ्लोर फ्लेयर रो मैंने फ्लोर उपर ही पेपर तो थोड़ा मैंने पेपर टा लगे थी ना डेफिनेट आम लगे पार्बे अन् लगे पार्बा अप्सन बी रही है गोटे मन रखिए अप्सन बी रही है सी रही तब से कहते प्लीज पुट ए डैश द वेस्ट बास्केट तो मैंने नहीं जो बास्केट अच्छे कौन कहे बास्केट भितर आम कौन करें पकईदे तो ये आड कि इन टे दयाकारी कहे ओके मैक्सीम अभी आड आउ इन भितर कन्फ्यूजन अच्छे फास्ट कथा मन रखा ये गोटे बास्केट बास्केट ये रहा बास्केट भितर आम कौन पकड़ा गोटे कम पकड़ा गोटे कागज टे नहीं पकड़ा तो ये मन रखिए भितर रही है तो आम इन लगे ये आड कहीं लगे पर्टिकुलर लोकेशन कथ किसी कहूँ ना तो मन रखिए इन लगे ओके इन द वेस्ट बास्केट समस्त यार बुझे ना जब आम कौन गोटे कागज कि डस्टबिन जाए पकुँ डस्टबिन भितर ही था ना मैंने भितर कौन जिस पकड़े तो भितर पड़ जाए ना से आम लगे इन लगे तेईस नंबर समस्त बुझे आप कौन रही है अप्सन सी अप्सन बी को जमा भी चूज करेंगे ना नेक्स्ट जी चबीस नंबर क्वेश्चन अच्छे चबीस नंबर क्वेश्चन आंसर देखें चाहते इजी अच्छे समस्त दे पारे ट्राए कले ओके फास्ट कथ हो सेकेंडा लगे
ୱିଲ୍ ଗୋ ଓକେ ଗୋ ଟୁ ତ ମୁମ୍ବାଇ ଲାଗେ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଗୋ ଟୁ ଲାଗେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ୟାର ବେସିକ୍ସ କହିବେନି, ଗୋ ଟୁ ମୁମ୍ବାଇ ଓକେ, ଅପସନ୍ ମାନେ ସି ହେବ ନଲ୍ ଡି ହେବ ଓକେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜୁନ୍ ଓକେ, ଅନ୍ ଜୁନ୍ ଲାଗେନି, ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗେ ଇନ୍ ଲାଗେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କ'ଣ ନିଏ ଇନ୍ ନିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, କୌଣସି ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା କି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥ ହେଇଗଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ୟାର ଏ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ତ ଅନ୍ ଲାଗେ, ମନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ଇନ୍ ଲାଗିବ, ଓକେ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଇନ୍ ଲାଗେ ଓକେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜଣାଇ ଚାହୁଁଥିବେ, ଇୟର୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ୟାର ବୁଝିଗଲେ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ୟାର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଯିବ ଓକେ ଇନ୍ ଜୁନ୍, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଆପଣ 24 ନମ୍ବର ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ନେଇଯିବା। 25 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 25 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଇଜି ଅଛି ୟାର, ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ୟାର ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଥିବ, ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିସାରିବେନି, ସେ କହୁଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗେ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ସହିତ ଫର୍ ଲାଗେ, ତ ସମସ୍ତେ ଏହା ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ ଓକେ, ଦ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ବୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ ଫଣ୍ଡ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ପାଇବେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଫଣ୍ଡ ଇନ୍ ଲାଗିବ ଓକେ, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି ପାଆନ୍ତି ଇନ୍, ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଫିସ୍ ହେଇଗଲା ଲିଭର ହେଇଗଲା ଓକେ, ଆପଣ ଅଏଲ୍ ହେଇଗଲା ମିଲ୍କ ହେଇଗଲା, ତ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି ମିଳେ ଇନ୍ ଫିସ୍, ବାକି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଫଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣ ଇନ୍ ଲାଗେ ଓକେ, ତ ଫଣ୍ଡ ସହିତ ଫାଉଣ୍ଡ ଓକେ, ଫାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଇନ୍ ଓକେ, ମୁଁ ଫଣ୍ଡ କହିଦେଲି ଫାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଇନ୍ ଲାଗେ, ଆଉ ଫଣ୍ଡ ସହିତ ଏଫ୍ ଓ ଏନ୍ ଡି ଯେଉଁଥିଲା ଫଣ୍ଡ ସହିତ ଅଫ୍ ଲାଗେ, ଦୁଇଟା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ସେଇଟା ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଫଣ୍ଡ ସହିତ ଅଫ୍ ଲାଗେ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଜଣାଥିବ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସହିତ ଫର୍ ଡେଫିନେଟ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିଲା 25 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ, ହୋପ୍ସ ୟାର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ଆଉ କନସେପ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର ହେଉଥିବ, ମୋଠୁ ତ ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଆର୍ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ ଓକେ, ନେଇଯିବା। 26 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖେ 26 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ଥ୍ରୋ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେ କହୁଛି ୱେଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ 11 o'clock, ତାମାନେ ୱେଟ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ହେଇନି 11 o'clock ହେଇନି ୟାର, ତ ଟିଲ୍ ତ ଲାଗିପାରିବନି, ଆଟ୍ ତ ଲାଗିବନି, ଇଏ କହୁଛି ୱେଟ୍ କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ହେଇନି 11 o'clock ହେଇ, ତାମାନେ ଆମେ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଅଣ୍ଟିଲ୍ ତ ଲାଗିଗଲା ୱେଟ୍, ଆପଣ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ଟିଲ୍ ତ ମିନିଂ ସବୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ଅଲରେଡି ମୁଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ୟାର, ଆପଣ ଏ ସବୁ ବେସିକ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆପଣ ସବୁ ପାଇଯିବେ ଓକେ। ସେ କହୁଛି ୱେଟ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ 11 o'clock ଇଫ୍ ଦ ଟିଚର୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ କମ୍, ଯଦି ଟିଚର୍ ଆସେନି ବାଇ ଦେନ୍ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ସେକେଣ୍ଡରେ, ବାଇ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ବାଇ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଲିଭ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। 26 ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବେ, ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ, ବେଶୀ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁ ଏହାର ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନେଇ ଯିବା 27 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 27 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କଲେ ଶିଖଉଛୁ ଓକେ, ବ୍ରେକ୍ ଦ ଚକୋଲେଟ୍ ଓକେ, ଆପଣ ପାଖକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଯାଇଛି, ଆପଣ ତ କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଓକେ, ବ୍ରେକ୍ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, କି ଏଇଟା ତ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲା, ନର୍ମାଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେଉଁଥିରେ ଘଟିଲେ ସେଠି ଆମେ ଲଗାଉ ଇଣ୍ଟୁ ଲଗ, କ'ଣ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଟୁ ଲଗେଇବା ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଘଟିଲେ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କହିଛେ ଇଣ୍ଟୁ ଓକେ, ମୁଁ କହିଛି ମୋସନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଘଟିଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଟୁ ଲଗାଉ, ବ୍ରେକ୍ ଦିସ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଇଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଲ୍ ଟୁଡେ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଠି ତ କେବେ ବିଟୁଇନ୍ ଲଗେଇବାନି, ଏଠି କ'ଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏମଙ୍ଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବିକଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଆସିଲା, ତ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଆସିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମଙ୍ଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାମାନେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ 27 ନମ୍ବର ବିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ବ୍ରେକ୍ ଦିସ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଓକେ ଇଣ୍ଟୁ ପିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଇଟ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଅଲ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ 27 ନମ୍ବର ବି ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ ନେଇଯିବା। 28 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିଲେ 28 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରି ଶିଖୁଛି। 28 ନମ୍ବର କହୁଛି ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆର୍ଟିକଲ ଓକେ, ଆର୍ଟିକଲ କାହା ଉପରେ ଅଛି, ଆର୍ଟିକଲ ଓକେ ଅନ୍ ପେନ୍ସନ୍ସ ଓକେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓକେ ଡ୍ୟାସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଇନ୍ ଟୁ ଡେଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଲଗେଇ ପଳେଇଲେ, ବିକଜ୍ ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା। 28 ନମ୍ବର ବି ଅନ୍ ପେନ୍ସନ୍ କାହା ଉପରେ ଥିଲା, ଅନ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା କେଉଁଥିରେ ଥିଲା, ଇନ୍ ଟୁ ଡେଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ 28 ନମ୍ବର ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଏଠି ବେଶୀ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେଇଯିବା 29 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ 29 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗିବା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲେଣି, ୟୁଜ୍ ଟୁ ଲାଗେ, ୟୁଜ୍ ଟୁ ଲାଗେ ମୁଁ ଲଗେଇ ପଳେଇବି, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ପୁରା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଲିଭିଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ହେଉଛେ, ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଲଗଉ ନା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଇନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା ଇଜିଲି, ଆ ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଗଡ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଫନି କଷ୍ଟମ୍ସ ଓକେ, ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆପଣ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଗେ ନା, ଥୋଡ଼ି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଟ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି କେବେ ହେବନି, ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। 29 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 30 ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଫିଲର୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେହି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବେ, ବିକଜ୍ ଆକର୍ଡିଂ ସହିତ କ'ଣ ଅଛି, ଟୁ ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବ, ତ ଆକର୍ଡିଂ ସହିତ ଟୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଅପସନ୍ ଏ କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେବା, ବି ହେଇପାରେ ସି ହେଇପାରେ ଡି ହେଇପାରେ, ସେମିତି ଆପଣ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ବି ଅପସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସିରିୟସନେସ୍ ଓକେ, ସିରିୟସନେସ୍ ସହିତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ଲାଗିବ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛ ଡେଫିନେଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଫାଦର୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଆଙ୍ଗ୍ରି ଓକେ, ବାପା ଆଙ୍ଗ୍ରି ଅଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ, ସନ୍ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ନା କି ସନ୍ କୌଣସି ରିଜନ୍ ଉପରେ, ହି ସନ୍ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଆଙ୍ଗ୍ରି କୌଣସି ପର୍ସନ୍, କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗ୍ରି ସହିତ, ଆଙ୍ଗ୍ରି ସହିତ ୱିଥ୍ ବି ଆସେ, ଆଙ୍ଗ୍ରି ସହିତ ଟୁ ବି ଆସେ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଓକେ, ଆଙ୍ଗ୍ରି ସହିତ ଆଙ୍ଗ୍ରି ଆଟ୍ ବି ଆସେ,
आंग्री सहित आड भी आसे टू को काटे आंग्री ओथ ओके आंग्री ओथ डिपेंड करके आगे आप सम्मान मैंने कि गोटे पर्सन थे कौन कहे कि गोटे पर्सन थे कौन लगे आंग्री ओथ लग ओके आंग्री आड भी लगे कितने कितने जगह जो जो आगे आपको कौन इंडिकेसन थी तरह कौन से रिजन से लगे पार्बा आंग्री आड लगे पार्बा बट ये से पर्सन से कहते आंग्री ओथ सम्मान ओके गोटे पर्सन आसो सी लगे हिज सन तो डिपेंड पर्सन कथा तो आम लगे पार्बा ओथ लगे पार्बा जोटा कि आपसन डी रईट आंसर हम फास्ट ओथ रही है सेकेंड टू रही है थर्ड आम लगे पार्बा सीरीयसनेस ऑफ योर ग्रेड तो आम अफ लगे पार्बा ये किसी प्रोब्लेम नहीं ओके तीस नंबर आई थिंक ऑप्शन डी समस्त चूज कर देते इजी क्वेश्चन था तीसटा तो डेफिनेटली आप 25 प्लस तो डेफिनेटली आंसर कर देते किसी प्रोब्लेम ना जब कौन से डाउट कन्फ्यूजन है मतलब कमेंट करेंगे इंद्रिया मोर द्वारा 100% आक्यूरेसी बनी जो मो द्वारा किसी मिस्टेक बन से मोटा दरकार नहीं आप सो 35 बुझी जाइए आउ एक्जाम आसते इतर क्वेश्चन से कि आप कौट भी क्वेश्चन से आप डेफिनेटली करके पलि आसेंगे ये मोबाइल को एंड करो की शेष पर देखो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।